हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल। तो भाई लोग, मेरा टीममेट मेरे को पोचन की लेके आता है, तो मैं यहाँ पे पेन किलर लगाता हूँ। और पेन किलर लगाने के बाद मैं यहाँ से अपनी बग्गी उठाता हूँ फिर, और बग्गी उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। और मैं जैसे यहाँ से आगे निकल रहा होता हूँ, तो देखो आगे दिखती है हमको गाड़ी खड़ी हुई। तो समझो कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो भाई बंदे तो होंगे ही। तो गाइस, ये एक बंदा दिख भी जाता है यहाँ पे, तो मैंने सोचा यहाँ नहीं रोकना, थोड़ा आगे रोकते हैं। भाई एक गोली में इतनी है, ये खैर लगा, और देख रहे हो कितनी HP गई भाई, देख रहे हो 1 AM का डैमेज। तो यहाँ पे अभी हम हील लगाते हैं। हील करने के बाद अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे आगे जाके थोड़ा इधर उधर बंदे देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, बंदा हमारे सामने पेड़ के पीछे है। हमारे पास नेड़ मोली कुछ भी नहीं थी, तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे थे कि शायद बंदा ना अभी सामने निकले। और एक बंदा पीछे भी था, तो हम सीधा रश भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पीछे बंदा था हमारे, इधर भी हमको साउंड आ रहे थे। तो गाइस, सामने बंदा और पीछे बंदा, अब बताओ क्या करेगा, क्या करें हम फिर। तो गाइस, अपने टीममेट को हम कॉल देते हैं, लेकिन उधर दो टीम थी, वो दो टीम के बीच में फंसा हुआ था 4 नंबर हमारा। तो गाइस, हम फिर यहाँ से पीछे की तरफ निकलते हैं, सोचते हैं कि शायद पीछे से कोई एंगल मिल जाए इसको मारने के लिए। तो गाइस, एंगल तो मिलता है, बट हम पेन किलर वगैरह उठाते हैं उतने में वो क्लोज आ जाता है। तो हम फिर से उधर ही जाते हैं क्योंकि वो TP भी लेगा यहाँ पे, और ये हमको पता थी कि ये TP भी लेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। देखते हैं, तो वो गाइस देखो सामने TP भी ले रहा है, और इंटरनेट हो गया 50%। तो गाइस, हम इसको नॉक डाल देते हैं, पूरा फिनिश भी कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हम आगे निकलते हैं के देखते हैं अगला बंदा कहाँ है, क्योंकि एक बंदा तो फिनिश हो गया। फिर इसको हम थोड़ी सी इसकी पेटी से भाई उठा लेते हैं कुछ लूट वगैरह। तो गाइस, इसको लूट उठाने के बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं इधर साउंड आ रहा था वो बंदा कहाँ है। तो गाइस, इस घर के अंदर आते हैं, तो 4 नंबर की तरफ जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि हाँ सामने वाले घर से फुटस्टेप आए। सामने भी बंदा, तो देखो हेड दिख रहा हल्का सा, ये देखो एक हेड लगा। कोई नहीं गाइस, अभी हम देखो भाई साहब नेड़ ही नहीं उठा रहा है। गाइस देख रहे हो, इंटरनेट पता ही नहीं, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा। तो हम दोबारा नेड़ उठाते हैं, और नेड़ उठा के नेड़ को करते हैं। तो गाइस, सोचते हैं कि शायद नेड़ से फट जाएगा वो बंदा, बट लेट हो जाता है हमारे इंटरनेट, हमारे इंटरनेट की वजह से नेड़ लेट हो जाता है। तो हम स्मोक कर देते हैं ताकि सामने वाले बंदे का जो है व्यू ब्लॉक हो जाए हमारी तरफ ना। 4 नंबर देखो इधर आ गया, इसको पीछे से कहीं से पड़ी थी, इसको पीछे से पड़ रही थी गाइस। तो हम इधर बुला लेते हैं इसको, ये आ जाता है। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, सोचा पीछे से देखते हैं कहीं पे बंदा बंदा यहाँ पे एंगल दे बनाते हैं एंगल। देखो हम इसको यहाँ से दे रहे होते हैं, तो देखो यहाँ पे हमको एक कैंपर दिखता है गाइस, कैंपर देख रहे हो, कैंपर की भी पेटी बना दी गाइस। कैंपर की पेटी बनाने के बाद हमको फुटस्टेप आते हैं पीछे से, हम यहाँ पे TP भी लेने आते हैं। ये देखो एक बंदा ये रहा, इसकी भी पेटी बना देते हैं गाइस। ये 3 बंदे ख़त्म हो गए, अब लास्ट बंदा बचा है सामने घर में, देख रहे हो गाइस, पूरी एक स्क्वाड ठिल्ले में एक अकेला बंदा बचा है, वो भी सामने घर में। और दूसरी स्क्वाड जो कि उधर दूसरी तरफ है, वो भी हम पे क्लोज इन कर रही थी धीरे धीरे करके। तो गाइस, यहाँ पे हम एंगल देखते हैं, एंगल इस पर नहीं मिलता, तो हम मैं थोड़ा आगे जाता हूँ क्योंकि अभी रेड जोन था, तो अभी हम रश नहीं करना चाह रहे थे, और सामने भी टीम थी, कोई स्प्रे ना देते, इसलिए हम थोड़ा वेट किया। और तब तक पेन किलर लगाई हमने, सोचा कि थोड़ी हेल्थ वेल्थ बढ़ा के तब निकलते हैं, तब तक रेड जोन भी हट जाएगा। तो गाइस, रेड जोन हटने के बाद जैसे ही रेड जोन हटता है, तो हम थोड़ा देख के, और रेड जोन अब हट चुका है यहाँ से, अब हम इस पर रश करने वाले हैं। तो गाइस, हम यहाँ से देख रहे होते हैं, नेड़ वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम सीधा फिर इस पर रश कर देते हैं। तो गाइस, ये तो मेरे को पता था कि बंदा ऊपर है, मैंने सोचा क्यों क्या पता कहीं पीछे ना हो, तो पीछे यहाँ पे चेक किया, पीछे नहीं था। मैं उसको कंफ्यूज करने के लिए इधर रूम में गया, और वो ऊपर लेटा हुआ था, अपना 4 नंबर इसको मार देता है। उसके बाद इसकी पेटी लूट रहा होता हूँ, तो मेरे को साउंड आता है कि सामने से बंदे क्लोज इन कर रहे हैं। ये वही टीम थी जो कल आपने वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे। तो गाइस, कल की वीडियो में वो जो क्लच था वो यही था, तो सामने बंदा था गाइस, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ नहीं दिखा तो मैं इधर से फ्लैंक करता हूँ इस बंदे पे। तो गाइस, फ्लैंक करके मैं इधर आता हूँ गाइस, पता नहीं उसको मैं क्यों नहीं दिखा, वैसे तो सामने से आया, देखो वो रहा TP भी ले रहा है। मैं नॉक कर देता हूँ उसको,
सामने घर में फुट स्टेप आते हैं, सेकंड घर दिख रहा है ना, वहाँ पे फुट स्टेप आ रहे होते हैं मेरे को, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ अभी एक बंदा और भी है। मेरे को ये दो ही बंदे लगे कि शायद दो ही बंदे हैं यहाँ पे, तो दो बंदे समझ के मैं यहाँ से जंप करता हूँ और सामने एक दिखता है, मैं इसको डैमेज देता हूँ, फिर घूम के पूरा जाता हूँ कि डैमेज हो चुका है, फिर यहाँ से नॉक कर देता हूँ, फिर नॉक करने के बाद अपने पहले वाले बंदे को फिनिश करता हूँ और फिर इसको भी फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद मेरे को साउंड आता है इस घर में, देखो फुट स्टेप मार्क भी आया। तो गाइस मैं फिर इसको पीछे से एंगल देखता हूँ, पीछे ही था ये, और यहाँ पे मैं इसको पीछे से ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइस ऐसे ही ये क्लच हो जाता है 1v3 का। उसके बाद हम जा रहे होते हैं पोचंकी से जोन की तरफ, तो जोन की तरफ जाके हमको गाड़ी दिख जाती है। अब सोचा कि शायद ब्रिज पे बंदे होंगे, पर ब्रिज पे कोई भी नहीं था, ब्रिज पे ना नहीं था, हम सीधा निकल रहे थे, तो देखा सामने पत्थर पे बंदा, भाई मैं उसके मुंह पे रोक देता हूँ गाड़ी और गाइस मैं उसको डैमेज भी देता हूँ। हमारा 4 नंबर नहीं उतरता गाड़ी से, पता नहीं ऑफलाइन था कि क्या था, ये नॉक हो गया गाइस, इसका एक बंदा डाल दिया, मुझे लगा शायद अब ये दूसरा ही बंदा है, तो मैं इस पर रश कर देता हूँ, दूसरा नॉक करता हूँ, फिनिश कर रहा होता हूँ, ऊपर से M249, भाई देख रहे हो जनरेटर था भाई ऊपर, भाई ऐसे हमारी पेटी बन गई गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।